वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए सरगर्म। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसी डॉक्टर इश्तियाक हुसैन चिन्यौर पहुंच गए, फार्मर डे तकरीब में शिरकत की। तकरीब का अहवाल जानते हैं कुमैल हैदर से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पंजाब गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम करी है। किसानों को आगाही दी जा रही है कि गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए जल्द अज जल्द खास की जाए। डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत तौसी ने आज चिन्यौट का विजिट किया, किसानों से मुलाकात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक। सर बताइए कि गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए आप कौन कौन से इकदाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें तीन काम मेन कर रहे हैं। पहला काम हम कर रहे हैं टाइमली सोइंग। इसमें हम 20 नवंबर तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मैक्सिमम क्रॉप 20 नवंबर तक लग जाए। दूसरा काम हम कर रहे हैं सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पूरे पंजाब में सर्टिफाइड सीड मौजूद है। तीसरी चीज हम कोशिश कर रहे हैं बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। उसके लिए सारी यूरिया, DAP, तमाम खादें, पोटाश, ये सारी खादें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, और अवेलेबल बड़े अच्छे रेट पे, जो नोटिफाइड रेट पे उस पर फार्मर्स को मिल रही हैं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीट कंपेन बड़ी अच्छी जा रही है और हम इसमें कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल का यही कहना है कि किसान मजबूत तब होगा जब उसकी पैदावार में इजाफा होगा। तो अगर किसान गंदम की पैदावार में इजाफा चाहता है तो जल्द अज जल्द अगर वो अच्छा सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करेंगे और खादों को मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि उनका कहना था कि चिन्योट के अंदर। तो मैं नजर में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।